खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, एबीपी न्यूज का मॉर्निंग प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हम सभी हाजिर हैं अगले आधे घंटे तक आपको देश दुनिया की हर एक अहम खबर से रूबरू कराने के लिए। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बुलेटिन की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। एबीपी न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग लाई। 5 दिन से बोरवेल में फंसे बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। फतेहवीर को आज सुबह 5:10 पर बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल वो पंजाब के चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती है। बच्चा कैसा है फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि 2 साल के फतेहवीर को आखिरकार आज सुबह निकालकर उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया। प्लान तो ये था, तय तो ये किया गया था कि उसको एयरलिफ्ट किया जाएगा चंडीगढ़, लेकिन उसके सितम देखिए बच्चे के साथ कितना हुआ। पहले 5 दिन उसको बोरवेल में रखा गया, उसको निकालने में तेजी नहीं लाई गई और जब बाहर निकला बच्चा सुबह 5:10 पर तो एयरलिफ्ट न करके उसको रास्ता जो अख्तियार किया गया वो सड़क का किया गया। पंजाब के संगरूर में एक मासूम को बचाने की जो कायावर 108 घंटे से चल रही थी वो आज सुबह 5:10 पर खत्म हो गई। करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 2 साल के मासूम फतेहवीर को बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। फतेहवीर को सीधे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल पहुंचाया गया। संगरूर के भगवानपुरा गांव में 2 साल का बच्चा 108 घंटे तक 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा रहा। लगातार पाइप के जरिए उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। कल फतेहवीर का जन्मदिन था और आज उसे बाहर निकाला गया। पूरे 108 घंटे एबीपी न्यूज लगातार फतेहवीर और उसके परिवार के साथ हर पल मौके पर खड़ा रहा, डटा रहा। एबीपी न्यूज की खबर पंजाब सरकार को हरकत में लाई। और इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से अमनदीप हैं और साथ ही साथ संगरूर से इमरान पल पल घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख हम करना चाहेंगे अमनदीप का। अमनदीप, आप चंडीगढ़ में हैं, पीजीआई में बच्चा एडमिट है, उसको लेकर कोई अपडेट आई है? क्योंकि अभी तक तस्वीर ये भी साफ नहीं है कि फतेहवीर अभी जिंदा है या नहीं। जी, अभी अभी हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि फतेहवीर अब हमारे बीच नहीं रहा। उसकी बॉडी है जो उसको पैक किया जा रहा है, कुछ ही समय में बॉडी यहां से बाहर लेके आएंगे, रास्ता क्लियर करवाया जा रहा है। कुछ ही समय पहले उसको यहां पे लेके आए थे और अंदर से जो जानकारी आई है बॉडी बुरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी है। सारे जो इमरजेंसी है चाइल्ड वार्ड का उसमें स्मेल फैल चुकी है, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल ताजा है कि फतेहवीर जो है अब हमारे बीच नहीं रहा। लगभग 111 घंटे की लंबी लड़ाई उसकी थी जो वो फतेहवीर हार गया है, क्योंकि हमें अंदर से ये जानकारी मिली है। जो लोग अंदर में वार्ड में मौजूद थे वहां से ये जानकारी आई है कि बॉडी को अभी रोल किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले बाय रोड उसको यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि बॉडी बुरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी थी, सारे वार्ड में इस चीज की स्मेल फैल चुकी है। और लेकिन फतेहवीर जो है वो अपनी लंबी लड़ाई के बाद अब इस समय नहीं रहा। उसकी बॉडी रोल हो रही है, यहीं से उसकी बॉडी है जो वो बाहर लेके आएंगे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे ये जो रास्ता है वो क्लियर करवाया जा रहा है, क्योंकि अंदर से यहां से उसकी बॉडी जो है वो बाहर लेके आएंगे। अभी बिल्कुल ये ताजा जानकारी है, यहीं से उसको कुछ पल पहले अंदर लेके गए थे क्योंकि उसका इलाज करना था, डॉक्टर्स ने चेक करना था। वेंटिलेशन वाली एम्बुलेंस से सुनाम से चंडीगढ़ तक बाय रोड उसको लेके आया गया। एक जी अमनदीप, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या कोई ऑफिशियल जानकारी इस बारे में मिल पाएगी? डॉक्टर्स कब तक बताएंगे, पुष्टि कब तक हो पाएगी इस खबर की जो आप सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि वाकई फतेहवीर जो है उसने 108 घंटे की जो जंग लड़ी उसमें वो हार गया है? ऑफिशियल जो जानकारी है वो कब निकलकर सामने आएगी? देखिए, अभी बॉडी है जो उसको पैक किया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि बॉडी
बुरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी थी। जो कुछ ही समय बाद जो डॉक्टर्स आएंगे वो ये जानकारी देंगे कि आखिरकार ऑफिशियली जो जानकारी होगी वो कुछ ही समय बाद आएगी, लेकिन हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि फतेह वीर अब हम बीच नहीं रहा, क्योंकि जब से बॉडी अंदर गई है एक स्मेल फैली थी, क्योंकि बॉडी बुरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी थी। लंबे समय से फतेह की बॉडी एक बोरवेल के नीचे दबी हुई थी, सिर्फ उसकी दो बाजुएं बाहर थी जिसको नॉट से टाई किया था। जो बॉडी रेत के नीचे थी वो बैडली डीकम्पोज हो चुकी थी और अंदर सारे वार्ड में स्मेल फैल चुकी थी, लेकिन हमने तब तक पुष्टि नहीं की जब तक हमें डायरेक्ट किसी ने ये चीज बताया नहीं। हमारे सूत्र ने कंफर्म कर दिया है कि फतेहवीर जो है अब हमारे बीच नहीं रहा है। एक लंबी लड़ाई लड़ी थी फतेहवीर ने। अमनदीप, दिल रो रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। 2 साल का बच्चा 5 दिन तक बोरवेल के अंदर था। आप सोचिए, उसके 2 हाथ बाहर थे, बस पूरा शरीर अंदर था। पूरा शरीर एक तरह से क्षत विक्षत हो चुका था, इस हद तक कि पूरे वार्ड में उसकी बदबू फैल गई। हमारे संवाददाता अमनदीप का चेहरा आप पढ़िए और समझिए कि क्या बीत रही होगी अमनदीप की इस खबर को बताते हुए उनके मन में, हमारे मन में। और ये एक बहुत बड़ा सवाल अमनदीप है उस बच्चे के लिए, उस मासूम के लिए। हादसा हुआ उसके साथ जो किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन जो 5 दिन प्रशासन ने उसके साथ किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। पांच दिन में जो प्रशासन ने उसके साथ किया है, शायद इसके बाद प्रशासन पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन या सिस्टम को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 5 रात और 6 सुबह तक जो था फतेहवीर वो वेट करता रहा। उसके परिवार वालों ने भी पूरा विश्वास जो है वो प्रशासन पे बनाए रखा था, लेकिन आखिरकार प्रशासन जो है इतना लंबा समय लगा गया कि फतेहवीर जो जंग लड़ रहा था, हम आपको बता दें कि हम पहले दिन से उस स्पॉट को कवर कर रहे थे, फतेहवीर की हर मूवमेंट को हम कवर कर रहे थे। 3 दिन तक फतेहवीर की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी, 2 बार उसने उंगलियां हिलाई, हर 8 घंटे बाद उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी और उसके हाथों पे स्वेलिंग भी हुई। स्वेलिंग के बाद वो स्वेलिंग कम भी हुई। हमने डॉक्टरों से कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो 3 दिन तक फतेहवीर सांसों के साथ लड़ रहा था, जिंदगी के लिए लड़ रहा था, जिंदगी की लड़ाई में आगे था, लेकिन प्रशासन ने समय इतने लगा दिया कि वो अपनी लड़ाई हार बैठा, वो दम छोड़ बैठा। परिवार वालों ने पूरा भरोसा जताया हुआ था प्रशासन पे, लेकिन प्रशासन जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि आखिरकार इतना समय एक 2 साल का बच्चा जिसके मुंह में ना पानी की बूंद थी ना अन्न का कोई दाना था, मुंह मिट्टी में दबा हुआ था, लगातार 5 रातें और 6 सुबह लगातार सिर्फ एक जिंदा, अगर वो जब तक सांस ले रहा था वो सिर्फ एक ऑक्सीजन की पाइप से ले रहा था, लेकिन प्रशासन को शायद इस चीज की नहीं समझ आई कि उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू करना है। हर बार नई टेक्निक बनाई, फेल हुई, एक ब्लंडर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और अब ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो कि फतेहवीर ने दुनिया से जा चुका है, अब हमारे बीच नहीं रहा है फतेहवीर। वाकई इस वक्त की बहुत बड़ी और दुखद खबर अमनदीप आप बता रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन की बेपरवाही और असंवेदनशीलता, इसे क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि 5 दिन तक खुदाई चलती रही बाबा आदम के जमानों से। आप सोचिए, फावड़े से खुदाई की जा रही है, छेनी हथौड़े से खुदाई की जा रही, मात्र 2 साल का मासूम कब तक जिंदगी की जंग लड़ता। इमरान के पास आपको लिए चलते हैं, संगरूर से हमारे साथ मौजूद है। संगरूर वही जगह जहां के बोरवेल में ये बच्चा गिरा था। इमरान, अमनदीप हमें बता रहे हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है कि अब फतेहवीर हमारे बीच नहीं रहा, आज सुबह ही उसकी मौत हो गई है, लेकिन जिस हालत में उसका शरीर या उसकी बॉडी थी बताया जा रहा है कि डिकम्पोज फॉर्म में थी, पूरे वार्ड में उसकी स्मेल हो गई, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रॉड डेड उसको यहां पर लाया गया है, बोरवेल में ही उसकी मौत हो गई थी। तो जिस वक्त उसको बाहर निकाला गया, क्या किसी ने देखा था, यही अंदेशा था, किसी को मालूम था कि बच्चा जीवित है या नहीं? बिल्कुल, कल रात तक जो प्लान था आज वो पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि 5 दिन और 5 रातें हो गई थी। उसके बाद जो बच्चे को जब ले जाया गया, उसके बाद जो जानकारियां आई उससे पता लगा कि बिल्कुल ही प्लान चेंज हो गया है। पहले दिन एक आदमी आया था जिसने कहा था कि मैं बच्चे को 15 मिनट में निकाल दूंगा, उसके पास एक लोहे का एंगल नुमा एक चीज था, उसने कहा कि मैं इससे निकाल सकता हूँ, पर प्रशासन ने उसे जानकारी
दी, कहा कि बताएंगे बताएंगे, पर उसे परमिशन नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ, आज जब बच्चे को ले गए तो वो इंसान बाहर आया और उसने जो खुलासे किए वो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। उसके खुलासे पंजाब सरकार पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। उस आदमी ने कहा कि रात को मेरी मीटिंग हुई, जो यहाँ पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला थे और जो यहाँ के डीसी थे और जो एसएसपी थे, उन सब से मीटिंग हुई। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे तरीके से ही बच्चे को निकाल दो। तो आज सुबह होने से पहले पहले, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर भी था, पर बाद में डीसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर तो रोशनी में ही उड़ेगा, इसलिए उस बच्चे को रोशनी होने से पहले पहले यानी कि 5:10 पर निकाल लिया गया। वही इंसान जिसके पास वो लोहे का एंगल था, उसी ने बच्चे को निकाला और जब बच्चा उनके कंट्रोल में आ गया कि अब वो उसे खींच सकते हैं, तो उस इंसान को हटा दिया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर उस बच्चे को निकाला गया। और हैरान करने वाली बातें कई हैं। एक ये भी बात है कि ऊपर आप वहां देख सकते हैं कि वहां पुलिस तैनात थी, पंजाब पुलिस, और नीचे जब बिल्कुल उस बोरवेल से बच्चे को निकाला जा रहा था तो पंजाब पुलिस से भी कह दिया कि आप मुंह उधर कर लें ताकि कोई उसका वीडियो ना बना सके और कोई देख भी ना सके कि बच्चा किस हालत में है। ये हुआ आज, जो कल रात तक जो तय था वो नहीं हुआ। विजेंद्र सिंगला जो यहाँ मंत्री, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो पूरा घटनाक्रम है उसमें एक संभावना ये भी थी कि यदि पहले से ही उस शख्स को इजाजत प्रशासन दे देता तो हो सकता है आज तस्वीर कुछ और होती, 2 साल का मासूम हमारे बीच में जिंदा होता। लेकिन उसकी मौत ने कई बड़े सवाल खड़े किए। एक बार फिर से आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फतेहवीर अब जीवित नहीं है।